दिलारी क्षेत्र में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का मुजफ्फर हुसैन उस्मान जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 5 ने फीता काट कर किया उद्घाटन। दिलारी क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर मुंडा में आज वॉलीबॉल का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि हर साल होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम किया जाता है, इसी के चलते इस वर्ष भी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का कार्यक्रम कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में काफ़ी दूर से आई टीमों का भी भरपूर स्वागत किया जाता है। वहीं फीता काटने के बाद मुरादाबाद जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मास्टर मुजफ्फर हुसैन उस्मानी ने कहा कि जिस तरह से इंसान को खाने की आवश्यकता होती है, उसी तरह खेल भी बहुत जरूरी है। खेल से होने वाली तरह तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है और आपसी भाईचारा भी कायम किया जा सकता है। और आपसी भाईचारे के द्वारा सभी टीमों के दूर दराज से आए खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का भी हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर सुल्तानपुर मुंडा से कप्तान नफीस अहमद, मास्टर अब्दुल समद के साथ क्षेत्र से आए हजारों की संख्या में दर्शकों ने खेल का आनंद लिया। जेड टीवी न्यूज के डिलारी मुरादाबाद से अशरफ अली की रिपोर्ट। हमारे कमेंटेटर, क्योंकि हमारे शरीफ भाई अब थक चुके हैं, थोड़ा आराम चाहते हैं। कौन है? थोड़ा थोड़ा आपके सहयोग दिया भाई हो और बेहतरीन सिर्फ यहाँ पर ढकिया के खिलाड़ी का बहुत बेहतरीन गोल मारी यहाँ पर ढकिया के खिलाड़ी ने और गोल लिया अपनी टीम के लिए। खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते रहो। उस्मानी जो पार्ट नंबर 5 से चुनाव लड़ेंगे, सुल्तानपुर की आवाम से मैं कहता हूं कि उनका पानी पार्ट नंबर 5 और अशरफ अली पत्रकार हमारे राजपुर एक जरूरी सूचना सुनिए। फड़कता हुआ मैं इससे अगला मैं मेरठ बनाम मुजफ्फरनगर। जी सर, क्या नाम है आपका? जी नफीस अहमद। आप यहाँ कप्तान है मंडा सुल्तानपुर से? सर, ये आज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया मास्टर मुजफ्फर हुसैन साहब को, जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। सर, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में कुछ? इनके बारे में ये हमारे जिला पंचायत 5 वार्ड से आए हैं, इनका पूरा सहयोग रखा जाएगा और इनके लिए काफी मेहनत करी जाएगी। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट है ये कै दिन चलेगा आपका? 14 तारीख को लास्ट हो जाएगा। कितनी टीमें हैं यहाँ सब? 12 टीम आएंगी। 12 टीम। टीमों का नाम बता दो मुजफ्फरनगर। टीमों का नाम याद हो तो बता दो। देहरादून है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, हैदराबाद है, मुजफ्फरनगर है, भोजपुर है। कप्तान साहब, ये बताइए अगर जो टीम विजय होती है फाइनल लास्ट में, तो उसको किस चीज़ से आपको सम्मानित करोगे? खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किस चीज़ से करोगे? ट्रॉफी भी देंगे और जो इनाम रखा गया है कमेटी की तरफ से वो भी दिया जाएगा। टीम को किराया भी दिया जाएगा। आज मुंडा सुल्तानपुर में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आपने उद्घाटन किया है, इससे क्या संदेश देना चाहोगे खिलाड़ियों को आप? ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह से खेल भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को खेल और खेल के साथ साथ पढ़ाई अति आवश्यक है और सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान खेल और पढ़ाई में बच्चे को देना चाहिए। तालियां बजाएं दर्शक।